Hello friends, welcome in my YouTube channel of Biology Concepts. In this video, we are going to discuss about various types of pressures. So in this video, I think you all know we are discussing with this video series for class 10th students basically. So in this video, I am going to tell you about the Turgor pressure. So what basically is Turgor pressure? We are going to discuss here. Turgor pressure, what basically is osmotic pressure, and then we will discuss wall pressure. First, I want to tell you about osmotic pressure. सबसे पहले हम लोग osmotic pressure के बारे में जानते हैं कि ये कैसा pressure है. तो ये एक ऐसा pressure है जिसकी जरूरत होती है to prevent. You can write here pressure which is required to prevent the osmotic entry, to prevent the osmotic entry of water molecules into the solution. क्या होता है जब osmosis हो रही होती है तो जो water molecules होते हैं they want to come inside. जब ऑस्मोसिस हो रही होती है तो हम लोग सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. और अगर आपको ऑस्मोसिस टर्म क्लियर ना हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके ऑस्मोसिस को वॉच कर सकते हैं हमारे वीडियो को. तो जब भी हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर वाटर से. और उस समय प्योर वाटर सॉल्यूशन के अंदर आना चाहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब इस वाटर की एंट्री को ऑस्मोटिक एंट्री को जो वाटर मॉलिक्यूल्स की इनको हमें रोकना है तो उसके लिए मुझे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आप वन लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द नेट मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर इनटू द सॉल्यूशन सो एज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजिंग. मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंक्रीज होने से रोकने के लिए मुझे क्या करना है, एक प्रिवेंशन करना है, एक प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ऑस्मोटिक एंट्री वाटर मॉलिक्यूल्स की ना हो पाए. तो आप देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्योर वाटर का होता है, आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होता है वो जीरो होता है. हम लोग प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो लेकर चलते हैं, इसलिए ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फ्रॉम जीरो टुवर्ड्स पॉजिटिव नंबर. अगली बात हम लोग करते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है. एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दिस डेवलप्स ओनली ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर. दिस पॉइंट आई टोल्ड यू. एंड वन मेजर पॉइंट यू कैन राइट हियर दैट It helps in absorption of water. It helps in absorption of water. Water के absorption में मदद करेगा osmotic pressure. अगली बात हम लोग करते हैं Turgor pressure की. Turgor pressure वो कौन सा pressure है? Turgor pressure वो pressure है जो cell के अंदर के contents लगा रहे हैं cell wall पे. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, pressure exerted by cell wall, pressure exerted by cell contents, not cell wall. Here you have to write pressure exerted by cell contents and protoplasm. Cell के अंदर के content और protoplasm जो pressure लगाएंगे, और वो pressure किस पे लगाया जाएगा? On the cell wall. सेल वॉल पे ये प्रेशर लगाया जाएगा और इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे टर्गर प्रेशर. और इसका मेजर फंक्शन आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर होता है इसी की वजह से प्लांट इरेक्ट होता है और स्टोमेटा ओपन होते हैं. प्लांट इरेक्टनेस में हेल्पफुल होगा ये एंड हेल्प इन स्टोमेटा ओपनिंग. ओके, तो ये कुछ दो पॉइंट्स थे हमारे टर्गर प्रेशर से रिलेटेड.
लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर की अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो जो वॉल प्रेशर है वो बेसिकली वो प्रेशर है जो सेल वॉल लगाएंगी। भाई सेल के अंदर के कंटेंट अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं एक पिक्चर के थ्रू, सेल है सपोज, ये सेल के अंदर के ये कंटेंट्स हैं साइटोप्लाज्म। जब सेल के अंदर के कंटेंट सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को हम लोग टारगर प्रेशर बोलेंगे, और इसके बदले में सेल वॉल भी तो एक प्रेशर लगाएगी सेल कंटेंट के अगेंस्ट, तो इसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। दिस इज वॉल प्रेशर एंड दिस इज टारगर प्रेशर। ये वॉल प्रेशर कौन लगाएगा? दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाई सेल वॉल। प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेल वॉल किसके अगेंस्ट लगाएगी? इनसाइड, या आप ऐसा लिख सकते हैं टूवर्ड्स इनसाइड, टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ सेल इन अ टर्जिड सेल, इनसाइड ऑफ सेल इन अ टर्जिड सेल। एंड दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू, इक्वल एंड अपोजिट टू टर्गर प्रेशर। आप कह सकते हैं कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर एक दूसरे के अपोजिशन वाले प्रेशर, और इस टर्गर प्रेशर की वजह से ही जो सेल है वो टर्जिड हो पाती है। इट इनेबल्स सेल टू बिकम टर्जिड, इनेबल्स सेल टू बिकम टर्जिड। आपको पता है कि जो टर्जिडिटी है वो टर्गर प्रेशर की वजह से नहीं है। टर्गर प्रेशर तो सेल कंटेंट लगा रहे हैं प्रोटो सेल वॉल के अगेंस्ट बिकॉज दे वांट टू गो आउटसाइड, लेकिन जो सेल वॉल लगा रही है सेल कंटेंट के लिए उसकी वजह से प्लांट में टर्जिडिटी मेंटेन है। आप ऐसा कह सकते हैं वॉल प्रेशर में कि इट एनेबल्स अ सेल टू बिकम टर्जिड एंड बियर द प्रेशर, और ये बियर करेंगी प्रेशर को विदाउट बर्स्टिंग, एंड बियर द प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग। यहाँ पे सेल बर्स्ट नहीं करेगी, उस प्रेशर को बियर करती रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट जो प्रेशर से रिलेटेड रहे होंगे वो क्लियर भी हो गए होंगे। टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या क्या है हम लोगों ने ये देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज एंड बी अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियोज। एज नाउअडेज वी आर अपडेटिंग ऑल द वीडियो कंटेंट रिलेटेड टू class 10th level. So thank you friends once again. I hope we will meet soon.